वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना क्रिएट दिस स्मोकी आई मेकअप। तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी प्लीज स्मोकी आई के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैंने एक बहुत ही ईजी सा क्विक सा टू स्टेप स्मोकी आई क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप उसको भी क्रिएट कर पाओ। एंड यू गाइस नो कि मुझे सिंपल और ईजी मेकअप्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, ताकि यू नो ताकि मेरे सारे फॉलोअर्स उसको क्रिएट कर पाए एक्चुअली, और मेरी वीडियो देखने का आपको कुछ तो फायदा हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर जरूर करना। एंड नाउ लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ओके यू गाइस, आई एम गोना स्टार्ट माय मेकअप विद दिस नाइका कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। इट्स अ वेरी नाइस ऑयल, ये मेरी स्किन को हाइड्रेट कर देगा अच्छे से, और जिसकी वजह से मेरा जो फाउंडेशन होगा वो बहुत ही अच्छे से अप्लाई होगा, और जो भी मेरी स्किन के ऊपर जो भी ड्राई पैचेस हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम गोना अप्लाई 2-3 ड्रॉप्स ऑफ दिस एप्रिकॉट ऑयल। इसमें और भी वेरियंट्स आते हैं, तो फिर आप अपने यू नो अपने स्किन टाइप के हिसाब से ले सकते हो। यू कैन इधर डायरेक्टली अप्लाई ऑन योर स्किन, और आप ऐसे लेके हाथ में लेके 2-3 ड्रॉप्स जस्ट उसको अपनी स्किन के ऊपर मसाज कर सकते हो। आई एम जस्ट गोना प्रेस इट अगेंस्ट माई स्किन, स्पेशली जहाँ पे मेरे ड्राई पैचेस होते हैं। जो भी बचा हुआ है उसको मैं अपने फेस के ऊपर स्प्रेड कर लूंगी। सो यू कैन सी इट गिव्स अ वेरी नाइस ग्लो टू माई स्किन, एज वेल एज मेरी स्किन भी बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज हो गई है। सो नेक्स्ट स्टेप, आई एम गोना प्राइम माई फेस विद दिस पोर प्राइमर बाय पैक। इट्स अमेजिंग प्राइमर अगर आपके पोर इश्यूज हैं, मेरे नोज के ऊपर और थोड़े से चीक्स के ऊपर पोर्स हैं, तो मैं वहाँ पर इनको अप्लाई करके अपने पोर्स को जो फिल इन कर लूँगी। पहले मैं अपनी नोज और अपने चीक्स स्पेशली जहाँ पे पोर इश्यूज है वहाँ पे इसको अप्लाई करूंगी, और जो भी प्रोडक्ट लेफ्ट है उसको मैं ऐसी कर लूंगी। तो मैं इस तरीके से अप्लाई करूंगी सो दैट जो प्रोडक्ट है वो मेरे पोर्स के अंदर फिल इन हो जाए। So now it's time to apply my foundation, and for that I'm gonna apply this pack HD liquid foundation। No matter आपकी कौन सी स्किन टाइप है, बीट ऑयली ड्राई नॉर्मल सेंसिटिव, या फिर अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन भी है उसके लिए फाउंडेशन अमेजिंग है। ये हर स्किन टाइप के लिए है, तो ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। प्लस इट गिव्स अ वेरी नाइस लुक, ये बहुत ही नेचुरल लगता है फेस के ऊपर, बिल्कुल भी ऐसे मेडअप नहीं लगता, बट ये आपको कवरेज भी दे देता है। सो आई एम गोना टेक 2-2.5 पम्प ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, क्योंकि मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई कर रही हूँ तो फिर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूंगी। अगर आप ब्रश से अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप थोड़ा कम भी ले सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू अप्लाई विद अ ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से और भी ज्यादा नेचुरल इफेक्ट आता है। देन आई एम गोना डॉट इट ऑन माई फेस, ताकि फाउंडेशन इवनली स्प्रेड हो जाए। And I'm gonna blend it out with this pack classic beauty sponge. So you can see it gives a very nice flawless effect, और बिल्कुल भी patchy, cakey या heavy नहीं लग रहा है। एंड ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई किया है तो ये काफ़ी एफर्टलेसली मेरी स्किन के अंदर ब्लेंड हो गया है। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट ग्लो, कि आप देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छी सी डूई टाइप की फिनिश है इसकी, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, बट काफ़ी नेचुरल एंड डूई फिनिश का फाउंडेशन है। दैट्स व्हाई आई रियली रियली लव दिस फाउंडेशन। ऑलराइट, सो नाउ आई एम गोना हाईलाइट माई फेस विद दिस निक्स HD कंसीलर। आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, तो चलो ट्राई करके देखते हैं। मैं अपने यूजुअल एरियाज को हाईलाइट कर लूंगी, अंडर माय आईज, ब्रिज एंड टिप ऑफ माय नोज। बस आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा इसको अपनी साइड ऑफ माय नोज पे भी अप्लाई करती हूँ, ताकि ये वाला एरिया एक ही लगे और मेरी जो नोज है वो थोड़ी सी सिंच्ड इन, यानी कि थोड़ी सी पतली लगे। तो इसका जो शेड है वो बहुत ज्यादा लाइट नहीं है, कि हाईलाइटिंग के लिए जैसे लाइट होता है, ये इतना ज्यादा लाइट नहीं है, बट इसमें पीची अंडरटोन है जो कि एक्चुअली मेरी ग्रेनेस को भी कैंसिल आउट करेगा। सो आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड वन, बट वो तो ब्लेंड करने के बाद ही पता चलेगा। सो नाउ आई एम गोना ब्लेंड इट आउट विद दिस पैक 073 ब्रश। इट्स अमेजिंग ब्रश, अगर आपको कंसीलर के लिए कोई छोटा ब्रश चाहिए, इट्स अ वेरी नाइस ब्रश। पहले मैं एजेस को ब्लेंड करती हूँ,
एंड देन आई एम गोना गो इन. एंड यहाँ पे मैं बिल्कुल लाइट हैंडेड होके कर रही हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि जो कवरेज है वो एक्चुअली स्टे करे. और मैं बहुत ज़्यादा इसको स्वाइप नहीं करूँगी, जस्ट ऐसे ऐसे करके डैप कर दूँगी सो दैट कवरेज जो है वो स्टे करे. And I'm also gonna take it on my eyelids ताकि primer का भी काम हो जाए. So now I'm gonna set this concealer with this pack translucent powder. This one ये HT नहीं है, अगर आपको HT लेना है वो भी ले सकते हो. If you have dry oily skin तो HT वाला उसके लिए बहुत अच्छा है, but dry skin या फिर normal skin वालों के लिए translucent normal वाला बहुत अच्छा है. I'm gonna take my beauty sponge and I'm gonna bake my under eye for a minute, ज़्यादा नहीं. First I'm gonna make sure कि कोई भी crease line नहीं बनी है and then I'm quickly gonna set it. स्पंज के ऊपर जो भी प्रोडक्ट लेफ्ट है मैं जस्ट उसको अपनी आईलिड्स के ऊपर भी अप्लाई कर दूंगी. आई थिंक आई रियली लव हाउ माय बेस मेकअप इज लुकिंग लाइक. नाउ इट्स टाइम टू डू माय आईब्रोज. आई एम गोना डू माय आईब्रोज ऑफ कैमरा क्योंकि आई डोंट रियली लाइक टू फिल इन माय आईब्रोज ऑन कैमरा क्योंकि वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है. सब क्विकली गोना फिल दैट एंड आई विल बी राइट बैक. Okay, so I'm back with my eyebrows on and now I'm gonna do my eye makeup. और उसके लिए I'm gonna take this Swiss Beauty का gel eyeliner. It's a very creamy eyeliner. Gel eyeliner के नाम पर थोड़ा सा धप्पा टाइप्स है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मच करता है और बहुत ही क्रीमी है. सो दैट्स आई एम गोना यूज दिस क्योंकि ये मेरे एज अ बेस बहुत ही अच्छा लगेगा. एज अ स्मोकी आई का बेस अगर मैं इससे अप्लाई करूँगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा. सो आई एम गोना टेक सम ऑन माई ब्रश एंड देन आई एम गोना अप्लाई इट ऑन माई आईलिड्स. मैं ऑल ओवर माई आईलिड पर नहीं अप्लाई कर रही हूँ, मैं थोड़े से पे ही अप्लाई करूंगी. तो मैं पूरी आईलिड के ऊपर इसको नहीं अप्लाई कर रही हूँ, मैं अपनी हाफ आईलिड के ऊपर ही इसको अप्लाई करूंगी. एंड मैं इनर कॉर्नर के एरिया को छोड़ रही हूँ अभी क्योंकि वहां पे मुझको डार्कनेस नहीं चाहिए. सो आई एम गोना टेक दिस ब्रश. आप देख सकते हो कि थोड़ा सा डेंस है, बहुत ज्यादा थिन नहीं है और इसका जो पॉइंट है वो थोड़ा सा डेंस है जिसकी हेल्प से मैं इसके कॉर्नर्स को ब्लेंड करूंगी. मैं बिल्कुल फ्लफी ब्रश नहीं ले रही हूँ ब्लेंड करने के लिए क्योंकि अगर मैं फ्लफी ब्रश से ब्लेंड करूंगी तो ये पूरा फैल जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा थिन बट डेंस ब्रश ले रही हूँ. एंड स्मोकी आई में ब्लेंडिंग इज द की. आप जितना ब्लेंड करोगे वो उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मेक श्योर यू ब्लेंड आउट योर आई लाइनर वेरी वेल. एंड आई एम ब्लेंडिंग इट आउट अपवर्ड्स. मैं इसको नीचे की तरफ नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे तो मुझे डार्कनेस चाहिए, बट मुझे ऊपर की तरफ इसको थोड़ा सा फेड आउट करना है, इसलिए मैं ऊपर की तरफ ही इसको ब्लेंड करूँगी. दिस इज हाउ द बेस ऑफ माई स्मोकी आई मेकअप लुक्स लाइक. अभी ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है बट ट्रस्ट द प्रोसेस, ये जब ये कम्प्लीट हो जाएगा बहुत ही गॉर्जियस लगेगा. नाउ आई एम गोना टेक दिस फॉक्युलर आई शैडो पैलेट इन द नंबर 05. दिस इज अ 9 शेड पैलेट एंड मैं ये वाला कलर लेके, ये बहुत ही प्रिटी कोरल कलर को लेके, एंड आई एम गोना ब्लेंड इट आउट. मैं इसको अपने क्रीज के ऊपर अप्लाई करूंगी. सो मैं ये बिग फ्लफी ब्रश की हेल्प से इस कलर को पिकअप कर रही हूँ. फोर्थ इसको अपनी क्रीज के अंदर अप्लाई करूंगी एंड मैं क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश को लेके सिर्फ इस पीच कलर की एज को ब्लेंड आउट कर रही हूँ. मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, आई वॉन्ट दैट फेड की डार्क से लाइट लाइट लाइट, तो इसलिए मैं सिर्फ अभी इसको ब्लेंड आउट करूंगी इसकी जो एज है. एंड दिस इज हाउ इट शुड लुक लाइक. अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस एरिया के ऊपर यहाँ तक डार्कर कलर को अप्लाई करूंगी सो दैट आई गेट अ वेरी नाइस मैक्सिमम डार्क पिगमेंटेशन देयर. एंड मैं ये वाले कलर को पिकअप कर रही हूँ. मैं बहुत ही केयरफुली इस डार्क कलर को यहाँ पे अप्लाई करूंगी. नाउ वट एवर इज लेफ्ट ऑन माई ब्रश आई एम जस्ट गोना रन इट थ्रू माई लोअर लैश लाइन ताकि जो अपर है और वो लोअर है वो अच्छे से कनेक्टेड लगे और बिल्कुल भी अलग अलग ना लगे. हाफ पे क्योंकि मेरी आई शेप के ऊपर फुल नहीं सूट करता है, इसलिए मैंने जस्ट इसको हाफ तक ही अप्लाई किया है. ओके सो दिस इज हाउ माय आई मेकअप लुक्स लाइक. नाउ आई एम गोना अप्लाई दिस मिस क्लेयर ग्लिमर स्टिक ऑन माय लोअर लैश लाइन.
क्योंकि कई बार ये क्या होता है जब हम डार्क कलर्स को अप्लाई करते हैं हमारी आंखें जो है वो बहुत ही छोटी और बंद लगती हैं, तो जब आप व्हाइट कलर को अप्लाई कर लोगे अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर तो इससे आपकी आंखें बंद नहीं लगेंगी। यू कैन सी द डिफरेंस कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है तो आंखें मेरी ओपन अप लग रही है और ब्राइट लग रही है, एंड यहाँ पे नहीं किया है तो वो थोड़ी बंद लग रही है। आई एम गोना वेयर माई फॉल्स आई लैशेज, दीज वंस आर बाय CS Essentials। दीज वन मैंने इसको नायका से लिए, बहुत ही अफोर्डेबल है बट इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी आई लैशेज, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। सो आई एम गोना वेयर दैम एंड आई विल राइट बैक। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ माई मेकअप लुक्स लाइक आफ्टर आई लैशेज एंड आई रियली रियली लव हाउ इट्स लुकिंग लाइक। सो नाउ आई एम क्विकली अप्लाई माई ब्लश एंड आई एम गोना गिव सम डायमेंशन टू माई फेस, एंड फॉर दैट आई एम गोना यूज दिस पैक का ही कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड नंबर 10। ये काफ़ी अच्छा ब्रॉन्जर है मेरी स्किन टोन के लिए, ये है तो एक्चुअली कॉम्पैक्ट पाउडर बट डार्कर स्किन टोन के लिए, तो ये मेरी स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा ब्रॉन्जर रहेगा क्योंकि क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क और वार्म टोन है, एंड दिस इट लुक्स लाइक मैं इसको एज अ ब्रॉन्जर अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी और अपने फेस को ब्रॉन्ज्ड अप कर लूँगी। आई एम गोना डस्ट ऑफ दी एक्सेस टू मेक श्योर कि कोई भी यू नो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मेरे फेस के ऊपर ना हो और मेरा फेस जो है वो मडी ना लगे। मैं यहाँ पे इसको एज अ कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही वार्म टोन है और कॉन्टोरिंग के लिए ये अच्छा नहीं है कलर, बट एज अ ब्रॉन्जर इट्स अ ब्यूटिफुल कलर। ओके, सो मैंने अपने फेस को बहुत ही सटल तरीके से ब्रॉन्ज्ड अप कर लिए, नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई माय ब्लश, एंड फॉर दैट आई एम गोना यूज दिस बेनिफिट कैलिफोर्निया ब्लश। ये बहुत ही प्रीटी पीची टोन ब्लश है, रियली लव दिस कलर, आई रियली रियली लव दिस कलर, इट्स अ गॉर्जियस कलर। सो आई एम गोना अप्लाई दिस ब्लश ऑन माई फेस। And for highlighter, I'm gonna apply this pack baked highlighter. I love this highlighter. This is my favorite highlighter in the shade 02. Gorgeous color, bahut hi pretty color. I just love this. अप्लाई करूंगी उसके लिए हम गोना अप्लाई दिस शुगर लिप क्रॉन इन द शेड होली गो लाइटली, ये बहुत ही प्रिटी पीची न्यूड सा कलर है, लव दिस कलर। एंड दिस इज ऑफ दिस कलर लुक्स ऑन मी, एंड दिस इज द फाइनल लुक यू गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मुझे कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखनी है, एंड आई मेक श्योर टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, एंड आई सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।